आज हम बात कर रहे हैं बेसिल यानी तुलसी के बारे में। पिछले दो वीडियो से मैं इसके बारे में ही बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको पूरी जानकारी मिले, लेकिन एक ही वीडियो में सारा कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं होता है। वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं अपने हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको देती रहती हूँ। तो आज भी हम बेसिल यानी तुलसी के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में ही बात करेंगे। तो जिन लोगों को डायबिटीज है, उन्हें अपने डाइट में तुलसी को जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ब्लड में शुगर बनने की जो प्रोसेस होती है उसको स्लो कर देता है। तो डेफिनेटली इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा हेडेक, फीवर, कोल्ड एंड कफ में भी ये काफी फायदेमंद होता है। इसमें एडेप्टिजन या एंटी स्ट्रेस सब्सटेंस पाए जाते हैं, जो कि हमें एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्या से निकलने में हमारी मदद करते हैं। इसे आप चाय के साथ बनाकर भी पी सकते हैं, और इसमें होता है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जो कि हमें इन्फेक्शन से या फिर एलर्जी की प्रॉब्लम से फाइट करने में हमारी मदद करता है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। नमस्कार, मैं हूँ ओंको क्रूमा और मैं करती हूँ आपका स्वागत डियर फूड में। आज मैं बनाने वाली हूँ क्रीमी पेस्तो पास्ता। ये एक एक्सॉटिक डिश है, बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है आपको। तो नाउ जॉइन मी, विल कुक टुगेदर। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर व्हीट पास्ता। आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं, लेकिन आप मैदे का ले या गेहूं के आटे का ले, ज़्यादा टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता है। और ये है पेस्तो सॉस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आप देख लीजिए कि कैसे बनता है। बहुत ही ज़्यादा आसान है इसे बनाना, बस एकदम कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। और अब मैं दूसरी तरफ पानी को बॉईल करने के लिए डाली हूँ। इसमें 2 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच नमक डालकर उबाल आते ही इसके बाद हमने इसमें पास्ता को डाल देना है और हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है। चलिए दूसरी तरफ मैं यहाँ पे पार्मेजन चीज़ को ग्रेट कर ले रही हूँ, और एक मैंने फ्लेवर्ड चीज़ और एक प्लेन चीज़ का स्लाइस इस्तेमाल करने वाली हूँ। थोड़ा सा बटर लिया है, ये अमूल का फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करने वाली हूँ। चलिए मैं देख लेती हूँ ये हुआ है या नहीं। तो आप देखिए, इसको तोड़ कर देखेंगे तो अंदर सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, तो इसका मतलब अभी ये कच्चा है। तो हमने इसे थोड़ा और होने देना है। ये मीडियम फ्लेम पर आप कुक करेंगे पास्ता को। तो अब ये बनकर तैयार है, और उसके बाद हमने पैन को चढ़ाना है। अभी हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे ही पूरा सॉस या जो क्रीम है उसे तैयार करना है। बटर डाल रही हूँ और ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ 2 चम्मच। आप कोई भी कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 2 बड़े चम्मच पेस्तो सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने इसे कुछ सेकंड्स तक कुक करना है, लाइक 30 सेकंड्स, और उसके बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। अभी भी ये लो फ्लेम पर ही रहेगा, और मैं इसमें 2 बड़े चम्मच अमूल का फ्रेश क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें पार्मेजन चीज़ डाल रही हूँ, और जो प्लेन चीज़ स्लाइस है उसे, और एक फ्लेवर चीज़ स्लाइस है उसे डाल रही हूँ। आप अपने पसंद का कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालिए, नमक ऑलरेडी सॉस में है और चीज़ में भी होता है, इस वजह से। थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, और ये है रेड चिल्ली फ्लेक्स, और ऑरिगेनो, ड्राई ऑरिगेनो डाल रही हूँ, और पिज़्ज़ा सीजनिंग डाला है मैंने। अब हमने इसे आराम से लो फ्लेम पर कुक होने देना है। हमने इतना रखना है कि ये ज़्यादा पतला भी ना हो और गाढ़ा भी ना हो, ऐसे स्टेज पर हमने पास्ता को डाल देना है, ताकि पास्ता उसमें अच्छी तरह से मिल जाए, पूरा फ्लेवरफुल हो जाए। ऐसे भी थोड़ी देर, जैसे ही आप गैस से उतारोगे, ये गाढ़ा होना शुरू हो ही जाता है। तो अब ये हो चुका है, और गर्मा गर्म आप इसे सर्व करिए। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है खाने में, और आई एम श्योर, 100% श्योर, ये आप ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। तो आप इन्जॉय करिए और बताइए मुझे आपको कैसा लगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, कीप ईटिंग एंड टेक केयर।